नमस्कार, मैं हूँ रुचि शर्मा। वेब थ्री की तमाम बड़ी खबरें लेकर हाजिर हैं हम। मार्च में G20 एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप मीटिंग की मेजबानी करने के बाद गुड़गांव 13 जुलाई से एक और 2 डे G20 मीटिंग की मेजबानी करने के लिए तैयार है, जो NFTs, AI और मेटावर्स के युग में क्राइम और सिक्योरिटी पर होगी। कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य NFTs, AI और मेटावर्स जैसी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के आसपास की चुनौतियों और क्राइम और सिक्योरिटी पर उनके प्रभाव का समाधान करना है। ये दुनिया भर के एक्सपर्ट्स, पॉलिसी मेकर्स और स्टेक होल्डर्स को सार्थक चर्चाओं में शामिल होने, इनसाइट्स शेयर करने और स्ट्रेटजीज डेवलप करने के लिए एक मंच प्रदान करेगा। हरियाणा चीफ सेक्रेटरी संजीव कुशाल ने मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और स्टेट गवर्नमेंट के सीनियर ऑफिसर्स के साथ मिलकर आगामी आयोजन की तैयारियों को रिव्यू किया। बैठक के दौरान कौशल ने प्रतिनिधियों के अनुभव को बढ़ाने के लिए विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला, जिसमें हरियाणा की प्रगति और कल्चरल हेरिटेज की यात्रा के साथ साथ एक मनोरस कल्चरल प्रोग्राम को प्रदर्शित करने वाली एक प्रदर्शनी भी शामिल है। इसके अलावा हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने इस संबंध में राज्य भर के कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में सेमिनार्स, ऐसे राइटिंग कॉम्पिटिशन्स और अन्य आकर्षक कार्यक्रमों की एक सीरीज की योजना बनाई है। कॉन्फ्रेंस का आयोजन गृह मंत्रालय द्वारा MEA, मीठी, CBI और NSCS के सहयोग से किया जा रहा है। 9 देशों बांग्लादेश, इजिप्ट, मॉरिशियस, नेदरलैंड्स, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन और UAE को बैठक में अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। इसमें करीब 600 प्रतिनिधियों के भाग लेने की संभावना है। सम्मेलन के लिए इंटरनेशनल पार्टनर्स में इंटरपोल, UNODC शामिल है, जबकि राष्ट्रीय भागीदारों में DSCR, RRU, NFSU, NLSIU, बेंगलुरु और अमृता विश्वास शामिल हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। टॉप क्रिप्टो एक्सचेंज क्रैकन अपने NFT मार्केटप्लेस को पॉलीगॉन नेटवर्क पर लॉन्च करने के लिए तैयार है। एक्सचेंजेस ने घोषणा की कि क्रैकन NFTs ऑफिशियल तौर पर लॉन्च करने के लिए तैयार है, जिसका अर्थ है कि वे अब बीटा में नहीं है। मार्केटप्लेस संभावित रूप से NFT आर्टिस्ट एंथुजियास्ट को आकर्षित कर सकता है। पॉलीगॉन ब्लॉकचेन इंटीग्रेशन के अलावा मार्केटप्लेस में 250 से अधिक कलेक्शंस होंगी। NFT स्पेस के लिए सबसे तेजी से बढ़ते ब्लॉकचेन्स में से एक के रूप में पॉलीगॉन नेटवर्क का जिक्र करते हुए क्रैकन ने कहा कि पॉलीगॉन नेटवर्क अब क्रैकन NFT से एक्सेसिबल है। साथ ही प्लेटफॉर्म में खरीदने और बेचने के लिए जीरो ट्रेडिंग फीस है। क्रैकन प्लेटफॉर्म पर NFT कलेक्शंस में क्रिप्टोपंक्स और बोर्ड एप यॉट क्लब जैसे प्रोजेक्ट्स शामिल हैं। एक्सचेंज ने एक घोषणा में कहा, क्रैकन फरवरी 2023 में US सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन की रिपोर्ट पर अनरजिस्टर्ड सिक्योरिटीज की पेशकश और पॉसिबल वायलेशंस के लिए क्रिप्टो एक्सचेंजेस की जांच कर रहा है। बाकी अहम खबरों के लिए करते हैं विशाखा का रुख। हाइपरप्ले वेब 3 नेटिव गेमिंग प्लेटफॉर्म ने ग्रिफिन गेमिंग पार्टनर्स और बिटक्राफ्ट वेंचर्स के सह नेतृत्व में $12 मिलियन सीरीज ए फंडिंग राउंड जुटाए हैं। इथेरियम सॉफ्टवेयर स्टूडियो कंसेंसस ने भी इस राउंड में पार्टिसिपेट किया। स्टार्टअप की स्थापना पिछले नवंबर में पॉपुलर इथेरियम वॉलेट मेटामास्क की पेरेंट कंपनी कंसेंसस और गेमिंग सेंट्रिक डाओ गेम 7 के बीच एक जॉइंट इनिशिएटिव के साथ की गई थी। सोडोनिमस फाउंडर jacobc.eth पहले मेटामास्क में एक ऑपरेशंस लीड थे। ग्रिफिन गेमिंग पार्टनर्स के पार्टनर्स फेयरे प्लांट ने एक रिलीज डेट में कहा, हाइपर प्ले सुनिश्चित करता है कि ओपन और डेवलपर फ्रेंडली गेम्स के लिए एक घर बनता है और गेम में टेक्निकल इनोवेशन को एनकरेज करता है और डेवलपर्स वर्सेस ट्रेडिशनल कंस्ट्रक्ट्स के लिए अधिक वैल्यू अर्जित भी करता है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। माइक्रोसॉफ्ट बैक्ड OpenAI के साथ कम्पीट करने वाली AI फाउंडेशन मॉडल कंपनी Cohere ने थर्सडे को कहा कि उसने एनवीडिया, ओरेकल और सेल्सफोर्स वेंचर्स समेत इन्वेस्टर्स से फंडिंग राउंड में $270 मिलियन रेज किए हैं। घोषणा ने टोरंटो बेस्ड AI स्टार्टअप के लिए लंबे समय से चली आ रही फंडिंग को कंफर्म किया, जो एंटरप्राइज कस्टमर्स के लिए AI मॉडल्स बनाने पर फोकस्ड है। Cohere ने इसके वैल्यूएशन का खुलासा नहीं किया है, लेकिन इस मामले से परिचित लोगों ने कहा कि इसका मूल्य $2.2 बिलियन है। फाउंडेशन मॉडल्स AI सिस्टम्स हैं जो विभिन्न प्रकार के टास्क को करने के लिए नए डेटा से सीखने की एबिलिटी के साथ डेटा के लार्ज सेट्स पर ट्रेंड है। जनरेटिव AI का उद्देश्य कंप्यूटर कोड के माध्यम से ह्यूमन लाइक रचना करना है, जिसने वास्ट अमाउंट्स में डेटा को प्रोसेस किया है। अल्फाबेट के गूगल के फॉर्मर टॉप AI रिसर्चर्स के नेतृत्व में Cohere उद्यमों के लिए उन मॉडलों का उपयोग करने के लिए एक न्यूट्रल प्रोवाइडर होने की स्थिति में है, जो माइक्रोसॉफ्ट जैसे क्लाउड प्रोवाइडर से बंधे नहीं है। उनकी फंडिंग का नेतृत्व कनाडा की इनोविया कैपिटल ने किया और DTCP, मिरियासेज, स्ट्रॉडोस कैपिटल, सेंटिनल वन और थॉम वेस्ट वेंचर्स जैसे अन्य निवेशकों से इन्वेस्टर्स
भी उनमें जुड़े। वेब थ्री से जुड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। मैं विशाखा आपसे फिर मिलूंगी ऐसे ही अपडेट्स के साथ। ऐसी और जानकारियों के लिए लॉग ऑन कीजिए हमारी वेबसाइट www.3versetv.io पर या फिर स्कैन कीजिए QR कोड।